हाई एवरी वन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माई चैनल. सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो और आज मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप अपने बारे में जान सकते हो. देखिए, खुद को जानना बहुत सिंपल है और बहुत डिफ़िकल्ट भी, क्योंकि जब हम खुद के बारे में जानना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें ऐसे पता चलती है जो हम अपने बारे में ही नहीं जानते, वो हमें दूसरों से पता चलती है. और बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि यार ये चीज़ भी मेरे अंदर है, या फिर ये अच्छाई भी है मेरे अंदर, ऐसा तो मैंने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं. तो बहुत सारी बातें हमें पता चलती हैं जब हम सेल्फ नोइंग या फिर सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पर निकलते हैं. बहुत सारे तरीके हैं हम अपने आप को जिस तरह से जान सकते हैं. तो यहाँ पर मैं एक टिप शेयर करूँगी या फिर एक एक्सरसाइज शेयर करूँगी कि किस तरह से आप अपने आप को जान सकते हैं अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, आपको लगता है कि खुद के बारे में जानना चाहिए, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा. सो एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है. आपको एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है, और उसमें आपको चार कॉलम्स बनाने हैं. और उन चार कॉलम्स में से सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है आपकी क्या स्ट्रेंथ है, और दूसरे कॉलम में आपको लिखना है कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, और जो दूसरा तीसरा कॉलम होगा उसमें आपकी क्या स्ट्रेंथ है जो दूसरों को लगता है आपकी स्ट्रेंथ है, और चौथे कॉलम में कौन सी ऐसी वीकनेसेस है जो दूसरों को लगता है कि आपकी वीकनेस है. दोबारा से मैं समझाती हूँ. चार कॉलम आपको बनाने हैं जिसमें से जो स्टार्टिंग के दो स्ट्रेंथ और वीकनेस होंगे वो आप खुद अपने बारे में लिखेंगे, और जो बाद के दो स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले कॉलम होंगे उसमें आप दूसरे लोगों से पूछ कर वहाँ पे चीज़ें फिल करेंगे. इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. मान लीजिए फर्स्ट जो स्ट्रेंथ वाली कॉलम है उसमें आपने लिखा कि मेरी ये ताकत है या फिर मेरे में ये खासियत है कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा पियानो बजा सकता हूँ. दूसरा जो कॉलम है वीकनेस, उसमें आप लिखेंगे कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. जो थर्ड स्ट्रेंथ वाला कॉलम होगा, हो सकता है उसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्त, अपने टीचर्स, अपने वर्क ऑफिस में जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनसे जो भी आपको जानते हैं, तो आपको समझते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बहुत भी आपको जानते हैं, तो उनसे आप पूछेंगे कि तुम्हारे अकॉर्डिंग मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, तो फिर वो आपको कुछ बताएंगे, आप फिर वो वहाँ पर नोट डाउन करेंगे. और फोर्थ कॉलम में आप उनसे पूछेंगे कि कोई ऐसी बात जो मेरी कमज़ोरी है या मेरे अंदर कोई ऐसी बुराई जो मेरे वीकनेस हो सकती है, तो वो आप उनसे पूछेंगे और फिर वो आप वहाँ पर लिखेंगे. इस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने बारे में पता है या आप अपने बारे में सोचते हो, और ये भी पता चलेगा कि किस तरह से आपको बाहर या दूसरे लोग परसीव करते हैं. अब जब आपके पास चारों कॉलम में आंसर्स आ चुके होंगे, तब आपको एनालाइज करना है, आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो सबने बोली है, दैट मीन्स कौन से ऐसे स्ट्रेंथ में चीज़ें लिखी है जो आपने भी लिखी है और सामने वाले ने भी बोली है, कौन सी ऐसी वीकनेस है जो आपने भी लिखी है और सामने वाले ने भी बोली है, और ऐसी चीज़ों को भी नोट डाउन कीजिए जो बहुत अलग है या आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी. जो ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, इन पर थोड़ा काम कीजिए. काम कीजिए का मतलब इसे थोड़ा और सर्च कीजिए और लोगों से पूछिए कि कितने लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं. अब आपको क्या करना है, जितनी भी आपको स्ट्रेंथ्स मिली है, जो आपने खुद ने भी लिखी है और जो सामने वाले लोगों ने भी बताई है, इस स्ट्रेंथ को पकड़ लीजिए, इस पर और काम कीजिए, इसे और ज़्यादा अपने अंदर डेवलप कीजिए, और इन्हीं स्ट्रेंथ के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इसी स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा आपकी लाइफ का गोल. जो वीकनेसेस आपको मिली है, जो आपने खुद ने लिखी है और जो सामने वालों ने आपको वीकनेसेस बताई है, ये वो एरिया है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है. इसमें सबसे पहले फिगर आउट कीजिए कि कौन सी ऐसी वीकनेसेस है जो आपको रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम देगी या फिर आपको आगे चलकर प्रॉब्लम देगी. अगर आप बिजनेस में हो या फिर जॉब में हो, तो वहाँ पर ये वीकनेसेस किसी हर्डल का काम कर सकती हैं. तो ऐसी वीकनेसेस को पकड़िए और इनको ठीक करने की कोशिश कीजिए.